मानव शरीर का पूरा खेल ये शब्दों से होता है, वाणी से होता है। हम लोग जो शब्द बोलते हैं हर रोज हर समय, यह शब्द का तरंग जाते कहाँ है। हर धर्म के वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अपने वाणी को जितना हो सके कंट्रोल कीजिए। इसका राज रहस्य क्या है? हम जो कोई भी शब्द बोलते हैं, चाहे कड़वी शब्द हो चाहे मिठास शब्द हो, वह सभी शब्द विश्व के किसी भी शिवलिंग में ही जाते हैं, शिवलिंग में ही समर्पित होते हैं। जैसे हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग में बेलपत्ता चढ़ाते हैं, तो हमारे शब्द सभी शिवलिंग में ही जाते हैं। चाहे हम घर में बात करें चाहे किसी से बात करें, हम जैसा शब्द बात करेंगे, जैसा शब्द बोलेंगे, वैसा ही हमारा किस्मत बनता है और बिगड़ता है। आप ध्यान से, बारीकी से ध्यान लगाइए, मानव के शरीर से अगर शब्द अगर गायब हो जाता है, बोली अगर गायब हो जाता, तो मानव शरीर कुछ भी नहीं रह जाता, मिट्टी के बराबर होता है। जैसे हम चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र अगर जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वर्णम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो यह जो मेरा अभी जाप किया हुआ मंत्र है, यह किसी न किसी शिवलिंग में ही जाके वहां रिफाइनरी होगा। और यही कारण से विश्व में सबसे ज्यादा शिव मंदिर ही मिलेंगे, हर क्षेत्र में शिव मंदिर मिलेंगे, हर घर में नर्मदेश्वर का शिवलिंग रखा रहता है। तो इंसान का किस्मत बनता और बिगड़ता शिवलिंग के माध्यम से, हमारे शब्दों के माध्यम से। अनेक व्यक्ति को हम देखते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कम उम्र में जो बीमार पड़ जाते हैं, उसका कारण है हमारे मुख से जो गुस्सा क्रोध ऊंचा आवाज जो निकलता है, वही हमारे बीमारी का कारण है। आप देखिएगा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा व्यक्ति जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमारे कड़वी बोली के कारण आज हम बीमारी कार्य दुख दरिद्रता में प्रवेश कर चुके हैं, तो शिवलिंग में वह जल चढ़ाते हैं, महीना में एक दिन भी जल जरूर चढ़ाते हैं। तो आप किसी से भी बात करते समय ऊंचे आवाज से बात मत कीजिए, गुस्सा से बात मत कीजिए, क्योंकि आपका हर एक शब्द शिवलिंग में जा रहा है। और कर्मों का फल कर्म ही देता है। हम अनेक घरों में देखते हैं पति पत्नी के अंदर बहुत जोरों से लड़ाई होता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वह शिवलिंग के अंदर जा रहा है। और जैसा हम लोग शब्द बोलेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, अघोरी और तांत्रिक। तो हम लोग शब्द को देखते हैं कि हमारा बोला हुआ शब्द शिवलिंग में कैसे प्रवेश करता है। हर शब्द, चाहे उस्कुली शब्द हो, चाहे वेद मंत्र हो, चाहे दुर्गा सप्त सती हो, चाहे रानी सती, किसी भी देवी देवता का हो, मुख से जब हम उच्चारण करते सर्वप्रथम शिवलिंग में ही प्रवेश करेगा और उसके अंदर रिफाइनरी होता है। जैसे मधुर शब्द बोलते, मीठा शब्द बोलते, मंत्र जाप करते हैं, तो वह लाखों गुना हमें ही वापस मिलता है शिवलिंग के माध्यम से। और हम लोग जो कड़वी शब्द बोलते हैं, गुस्सा में शब्द बोलते, अनाप शनाप शब्द बोल जाते हैं, वह भी करोड़ों गुना हमें ही फल देगा। शब्दों में बहुत शक्ति है, वाणी में बहुत शक्ति है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास लाखों प्रमाण है, लेकिन एक आपने संत श्री आसाराम बापू जी का नाम सुना होगा, और हम आज भी बोलते हैं कि आसाराम बापू संत 100% निर्दोष थे, और आज भी वो 100% निर्दोष है। उसके बावजूद वो जेल के अंदर क्यों है, आप उनका पुराना वीडियो निकाल के देखिए। वो व्यास पीठ में बैठ के प्रवचन दे रहे थे, और उसी प्रवचन में उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन है, ये आसाराम बापू का आप वीडियो निकाल के देखिए,
कि मेरा मन है कि एक बार तिहाड़ जेल के अंदर मुझे जाना है। यह बापू आसाराम जी ने कहा था और वह शब्द ही उनको काल बन गया और उसी एक शब्द शिवलिंग में प्रवेश कर गया और शिव जी बोले कि इसे यही मंजूर है और उसी शब्दों के कारण आज आसाराम बापू 20 वर्षों से जेल के अंदर हैं। तो शब्दों में इतना शक्ति है। हमेशा आप और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि शब्द मिठास बोले। शरीर के अंदर जितने भी बीमारी पैदा होते हैं शब्दों के कारण ही बीमारी पैदा होते हैं और शब्दों से ही बीमारी भी 100% ठीक होंगे। हमारे शरीर के अंदर एक जड़ है, बीमारी का जड़, गरीबी का जड़, गुस्सा का जड़, कर्ज का जड़, वह जड़ को जड़ से खत्म करने के लिए गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यह जाप निरंतर आप करते रहे तो आप मान लीजिए किसी भी जन्म में, पूर्व जन्म में कड़वी बोली अगर बोले हैं किसी को भी तो वह पाप कर्म आपके साथ चल रहा है। तो गायत्री महामंत्र जाप से और किसी भी शिवालय में जल चढ़ाइए आप, वह पाप समय के साथ कट जाएगा। अनेक लोगों को हमने देखा है तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन के साथ हम बोलना चाहते हैं तीर्थ यात्रा आप क्यों जा रहे हैं कि वहां से आशीर्वाद मिलेगा। आप किसी भी तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, चाहे वृंदावन का हम उदाहरण दे रहे हैं, वृंदावन एक तीर्थ क्षेत्र है लेकिन वहां सबसे ज्यादा गरीब है। अगर उन तीर्थों से अगर आशीर्वाद मिल जाता तो वहां के लोग तो 365 दिन जीवन बिता देते हैं तीर्थ में रहने, फिर भी तो वह गरीब है। तो अमीरी और गरीबी, सुख और दुख, यह हमारे वाणी तय करेंगे कि हम कैसे शब्द बोल रहे हैं। तो आज से देखिए, मैंने जो प्रवचन दिया है ये लाखों वर्ष पूर्व शास्त्र सम्मत है और ऐसा प्रवचन आज तक आपने नहीं सुना होगा। ऐसा प्रवचन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता, प्रवचन दूंगा, स्पष्ट प्रवचन दूंगा। कुछ बातें याद रखिए जो कि नेसेसरी या जरूरी है। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए ताकि पूर्व जन्म का कोई भी शब्द या पूर्व जन्म का कोई भी दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने के लिए अगर कोशिश करे तो आवारा कुत्ता उस तरंग को ब्लास्ट कर देगा। वाणी हमेशा मधुर रखिए और अपने घर के चौखट के अंदर यार दोस्त हो या आपके घर में जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले, उनको गलती से भी प्रवेश मत दीजिए और जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं शिक्षक, उनको भी गलती से प्रवेश मत दीजिए, चाहे वो कितने भी अच्छे हो। आप उनके शब्दों से प्रभावित होकर अगर उनको घर में प्रवेश देते हैं या देती हैं, कल को वही डंक मारेगा, डसेगा नाक सर्प की तरह। घर में अगर आपने किसी को रखा है काम करने के लिए तो लेडीजों को ही रखें, और बाहर कहीं भी जाते हैं तो बाथरूम को अच्छे से चेक कीजिए और बेडरूम को अच्छे से चेक कीजिए। आजकल जो है ये छोटा साइज का सीसीटीवी कैमरा आने लगा है, तो बाथरूम में नहाते समय वह कैमरा कैचअप कर रहा है और अनेकों के मोबाइल में जा रहा है। तो इनसे भी बचें, अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दीजिए और किसी भी इंसान को इतना कड़वी वाणी मत बोले, क्योंकि बोला हुआ शब्द वापस ही मिलेगा। आज मानव आप जैसा शब्द बोलेंगे वैसा ही आपको वापस कर्म मिलेगा, शब्दों में ही खेल है। और यही कारण साधु संत जो कि तपस्वी हमेशा बोलते हैं कि अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए और शांत रह के खाली समय पे चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा।
हमें धर्म के नाम से धोखा दिया जा रहा है। धर्म से बचें, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। और आज के जमाने में कोई भी इंसान किसी का रिश्तेदारी नहीं है, दिखावा के सब रिश्तेदारी हैं। जब किसी के ऊपर संकट आ जाए तो रिश्तेदारी मुख मोड़ लेते हैं। संकट का मतलब अगर पैसा अड़ी बीड़ी में जरूरत पड़ गया तो रिश्तेदार हम 100% बोल रहे हैं मुख मोड़ लेंगे। मेरा भी उम्र है 50 वर्ष और मैंने संन्यास लिया है मानव समाज के कल्याणार्थ। जीवन में मैंने न तो किसी को धोखा दिया है और न किसी के विश्वास में बीज दिया है। मेरा जन्म भूमि है उड़ीसा राज्य और मैं अपना जन्म भूमि छोड़ चुका हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे साथ धर्म है या नहीं। और जन्म भूमि छोड़ने के बाद मेरे यार दोस्त इंडिया के अंदर हैं, 4-5 हैं यार दोस्त मेरे। मेरा जितना भी खर्चा पिछले 2 वर्षों से वही मेरे यार दोस्त ही मुझे दे रहे हैं। तो आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, हर मानव अपने रिश्तेदारों को थोड़ा टटोल के देखे कि ओरिजिनलिटी है या डुप्लीकेट है। जिन्होंने मुझे आज तक देखा नहीं है ऐसे व्यक्तियों ने मुझे मदद किया है, क्योंकि किसी जमाने में मैंने भी उनको मदद किया था पूजन पाठ के माध्यम से। तो खास करके हम महिला और बेटियों को बतलाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, दुनिया बहुत खतरनाक हो चुका है और महिला बेटी आप अनजाने या जाने लोगों से व्हाट्सएप चैटिंग टेलीफोन वीडियो कॉलिंग से बिल्कुल भी बात मत कीजिए, क्योंकि आज का वैज्ञानिक युग ऐसा हो चुका है आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं वह भी आपको धोखा दे देगा। तो वीडियो कॉलिंग से भी बात मत कीजिए। और धर्म के नाम से जो वृंदावन वाले पैसा ले रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र है वृंदावन तो वहां के तो सभी लोग धनवान होना चाहिए, वहां काहे का गरीब। तो इनको मत दीजिए कुछ भी। और जो अग्र समाज है, महाराजा अग्रसेन जी के जो समाज या वंशज या जो अग्रसेन महाराज जी को मानते हैं, 18 गोत्र भारत देश के हर शहर में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से अग्रोहा महाधाम का निर्माण होना चाहिए। चाहे अग्रोहा महाधाम में शिव और गायत्री मंदिर हो, चाहे अग्रोहा महाधाम इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कूल का निर्माण हो, लेकिन हर शहर में हमारे अग्रोहा महाधाम के नाम से ही निर्माण होना चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे मंदिर हो। भारत देश में देखिए एक है अग्रोहा धाम हरियाणा में और दूसरा भगवान के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से ओडिशा राज्य में अग्रोहा महाधाम का निर्माण किया गया है। ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी सर केसिंगा से 1 किलोमीटर। तो मैंने शुरुआत किया है, भारत के हर शहर में होना चाहिए। और जो राजधानी भुवनेश्वर में रहते हैं, ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में स्पेशली अग्रसेन महाराज के संतान, अगर आपके पास जमीन अगर है, जमीन या कहीं से भी अगर आप जमीन अगर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं जमीन, तो ओडिशा राज्य भुवनेश्वर में एक अग्रोहा महाधाम जरूर बनना चाहिए। आज हम लोग अगर शुरुआत करते हैं तो कभी न कभी वो पूरा होगा, कभी न कभी जरूर पूरा होगा।
जो भी भाई साहब केसिंगा को आप जानते हैं, केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक जो अम्बा देवी का मंदिर है, वहां मैं घर त्याग करके 5 साल रहा हूं, बचपन में 94 5 साल रहा हूं मैं। और जब वह मंदिर का निर्माण हुआ, वहां हम 3 ही व्यक्ति थे, 3-4 व्यक्ति, एक विशाखापट्टनम से संतोष कमानी जी और दूसरा रूपड़ा वाले केसिंगा महेंद्र जैन जी और तीसरा मैं सुनील मित्तल और हरि मंडली, हम इतने ही व्यक्ति थे और हमने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। तो आज भी मुझे याद है जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, हम ये 3-4 व्यक्ति भी 3-4 व्यक्ति थे, मेरे हाथ में था 3,200 रुपया 3200, और हमारा प्रोजेक्ट था वो 4 लाख रुपया का। तो मैं वहां दिन रात सोता था और कंस्ट्रक्शन करवाता था। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक रेड पेन और ब्रश बाजार से खरीद के उस अंडर कंस्ट्रक्शन दीवार में मैंने लिख दिया कि यह देवी माँ अम्बा का मंदिर 70 लाख रुपया का बनेगा, और मैंने तब लिख दिया था 70 लाखा अम्बा देवी मंदिर। यह बात आज मुझे भी याद है, और मेरे साथ जो वहां थे महेंद्र भाई जी, महेंद्र जैन जी, उनको भी आज भी याद है कि सुनील मित्तल ने लिखा था 70 लाखा मंदिर, और पूरा 70 लाख रुपया से ज्यादा लगा मंदिर, लेकिन पूरा हुआ। तो हमने हिम्मत नहीं हारा, हमने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है देवी देवता के ऊपर। तो भुवनेश्वर राजधानी, यह मौका है भुवनेश्वर वालों के लिए, आप जमीन तैयार कीजिए, मेरे से जितना हो सकेगा मैं समय दूंगा, और अगर जरूरत पड़ा तो अग्रोहा महाधाम भुवनेश्वर के लिए पैसा कलेक्शन अगर जरूरत पड़ा तो ओडिशा के हर अग्र समाज, हर हिंदू समाज के अंदर भी मैं जाने के लिए तैयार हूं, जितना होगा समय दूंगा। लेकिन इंडिया के हर शहर में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से अग्रोहा महाधाम जरूर होना चाहिए। हिम्मत कीजिए, केसिंगा से 1 किलोमीटर नजदीक जो अग्रोहा महाधाम देवी देवता के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना, मैंने अपना जमीन बेच दिया 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ का, और पूरा 1 करोड़ रुपया मैंने वहां लगा दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और लोगों ने भी मुझे मंदिर निर्माण में पैसा दिया है। वहां अभी भी बहुत मंदिर का निर्माण काम बाकी है। तो भुवनेश्वर वाले तैयार हो जाइए जमीन, या सुनील मित्तल सन्यासी, मैं अगर दे सकता हूं 1 करोड़ रुपया मेरा जमीन बेच के, तो मेरे जैसे ओडिशा में लाखों आदमी हैं, वह भुवनेश्वर के लिए देंगे, राजधानी के लिए देंगे। और जरूरी नहीं है कि भुवनेश्वर टाउन के अंदर ही जमीन हो, भुवनेश्वर से बाहर लीजिए, ओडिशा गवर्नमेंट से लीजिए, वहां मंदिर बने, वहां इंग्लिश मीडियम स्कूल बने, वहां ओल्ड एज VIP हॉस्टल बने, ऐसा सब कार्य हमारे महाराजा अग्रसेन जी के बैनर के नीचे बनना चाहिए, इंडिया के हर जगह पर बनना चाहिए। हर एक हम हिंदुओं से निवेदन करते हैं, यह वीडियो को जन जन तक भेजिए, और हर एक अग्र समाज से निवेदन करते हैं, यह वीडियो ऑल वर्ल्ड के अग्र समाज तक भेजिए। किसी जमाने में हमारे समाज को कहा जाता था दानवीर, दानदाता, और वह खून, वह ब्लड आज भी हमारे शरीर में है। हमें हिम्मत करना होगा, अग्रसेन महाराज जी के बैनर के नीचे हम लोग हिंदुत्व को जागरूक करेंगे। जो असहाय गरीब बच्चे हैं, चाहे किसी भी समाज के गरीब बच्चे हों, वह बच्चों को भी हम अग्रसेन महाराज अग्रोहा महाधाम के बैनर के नीचे स्कूल निर्माण करके उनको भी हम उच्च शिक्षा देंगे। यह होता है धर्म। और हमारे से जितने वृंदावन वाले ले रहे हैं पैसा, जितने भी धर्म के नाम से पैसा ले रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजे। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवाय।